पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का चिड़िया टोला इलाका देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। रात में स्कूटी से दोस्त के साथ घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर दीपक उर्फ मंत्री पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बाइक पर हेलमेट लगाकर पहुंचे हमलावरों ने 6 राउंड फायर किए। हमले में दीपक चौधरी के पीठ और हाथ में गोली लगी। जान बचाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को उसका दोस्त स्कूटी पर लेकर भागता रहा और बदमाश उस पर लगभग 500 मीटर तक गोलियां बरसाते रहे। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। दीपक उर्फ मंत्री को साई अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी में फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल प्रॉपर्टी डीलर का हाल जाना, साथ ही घटना स्थल का भी मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3 नामजद हैं तो 2 अभी भी अज्ञात हैं। थाना मजौला में एक युवक है जिसका नाम दीपक चौधरी है, इस पे गोली चलाए जाने की बात संज्ञान में आई है। इसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पे इसका इलाज कराया जा रहा है। इस घायल व्यक्ति ने अभी जो बताया गया है कि इसके पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ मुकदमा चल रहा था, और इसमें कुछ नाम भी बताए हैं जिस पे जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक अभी ये तथ्य भी संज्ञान में नहीं है, जो भी और जांच की जा रही है, जो भी जांच में बिंदु आएंगे उसके अनुसार कितने लोग पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी घायल व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि इसमें 2 बाइक पे 4 से 5 लोग थे। अभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।